ये इटालियन बुराता पिज्जा मुझे इटली में जाके खाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुझे पाकिस्तान में ही मिल गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या नया नमूना है, तो वीडियो एंड तक देखो, बताती हूँ। टुडे आई एम हियर एट मिज़ानोज़, जो कि लोकेटेड है DHA कराची में। अब अगर मैंने ज्यादा इंग्लिश बोल दी तो तुम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, तो चलो चले। मैंने ऑर्डर किए थे यहाँ 2 different types of pizza। ये है मीट टर्की पिज्जा। तो सबसे पहले पिज्जा डो पर सॉस लगाई जाती है, जो कि बहुत जरूरी है। और यूनिक चीज मैंने यहाँ ये देखी कि ये लोग श्रेडेड चीज यूज नहीं कर रहे, मोजरेला चंक्स यूज कर रहे हैं। और डिफरेंट फ्लेवर्स पिज्जा की सॉसेस भी अलग है, वरना अक्सर रेस्टोरेंट एक ही सॉस सब पिज्जा पे यूज करते हैं और टॉपिंग चेंज कर देते हैं। बट भाई ये इटालियन पिज्जा बना रहे हैं, हल्के में तो नहीं लेना ना। ये है बेजल यानी कि तुलसी के पत्ते। ये पिज्जा थोड़ा बहुत स्पाइसी है, लेकिन मुझे इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा फील हो रहा था। और जब किसी चीज में सॉल्ट ज्यादा फील हो, आपके मुंह का जायका खराब होना शुरू होता है। तो ये पिज्जा मुझे एवरेज लगा। अगर सॉल्ट बैलेंस होता तो टेस्ट में मजे का होता। ये है बुराता पिज्जा। अब बुराता पिज्जा इसको क्यों बोलते हैं, बता रही हूँ भाई। तो इस पिज्जा पे रॉकेट लीव्स, मोजरेला चंक्स और चेरी टोमेटोज डाले, लेकिन इन्होंने चेरी टोमेटोज नहीं डाले। और चेरी टोमेटो का टेस्ट इतना मजे का होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। भाई बना रहे हो ना तो पूरा इटालियन बनाओ। देखो पाकिस्तानी जुगाड़ नहीं चाहिए। पिज्जा बेक होने के बाद इसके ऊपर रखा जाता है बुराता चीज। ऊपर की जो लेयर होती है वो मोजरेला चीज की बनी होती है, और इसके अंदर जो फिलिंग होती है मिल्क एंड क्रीम का कर्ड बनाया जाता है, और उसे मोजरेला चीज के अंदर फिल किया जाता है, और इस तरह से पोटली बनाई जाती है। और जब हम इसे काटते हैं तो अंदर से क्रीमी कर्ड निकलता है, जिसे हम अपने पूरे पिज्जा के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। अब इसका जो टेस्ट होता है वो क्रीमी, चीजी और हल्का सा योगर्ट जैसा फील दे रहा होता है। और ये पिज्जा बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता। अब इन्होंने इसमें नॉर्मल टोमेटोज डाले थे, और जो नॉर्मल टोमेटोज होते हैं उनका कोई खास टेस्ट नहीं होता। चेरी टोमेटोज खट्टे से होते हैं। अगर इस पिज्जा में चेरी टोमेटोज होते तो ये खट्टा सा और क्रीमी सा टेस्ट देता, लेकिन अभी भी इसका टेस्ट बहुत मजे का है, अगर आपके टेस्ट बड्स इसको एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि भाई ये इटालियन पिज्जा है और इसके अंदर चिकन वगैरह नहीं होता, वेजीज और चीज से बनाया जाता है। और मुझे लगता है कि जिनको बाहर के खानों की सेंस है ना, यानी जिन्होंने आउट ऑफ कंट्रीज के फूड ट्राई किए, उन्हें ये बहुत मजे का लगेगा। मिंट लेमन एंड पीना कुलाटा बहुत मजे का था। और अगर आपको बुराता पिज्जा फीका फीका सा लग रहा है तो इनके पास स्पाइसी सॉस भी मिलता है, वो डाल के खा लो, लेकिन एक्सपीरियंस करना तो बनता है। बिल लाजमी देख लो और फ्रेंड्स को टैग करके बोलो चलो चले।